આગામી લોકસભાની ચૂંટણીને લઈ ગાંધીનગરમાં કોંગ્રેસની બેઠક યોજાઈ હતી, જેમાં આગામી ચૂંટણીની તૈયારીઓ અંગે ચર્ચા કરવામાં આવી હતી. કોંગ્રેસ પ્રદેશ પ્રમુખ અમિત ચાવડાએ જણાવ્યું હતું કે અમે આગામી લોકસભાની ચૂંટણી જીતવાનો સંકલ્પ કર્યો છે. આગામી સપ્તાહે ખાટલા અને ઓટલા બેઠક કરવામાં આવશે, જેમાં મોંઘવારી, ભ્રષ્ટાચાર, રોજગારી અને ખેડૂતોની સમસ્યા અંગે અવાજ ઉઠાવવામાં આવશે. આ ઉપરાંત કોંગ્રેસ પ્રભારી રાજીવ સાતવ ઈવીએમ હેકિંગ અંગે જણાવ્યું હતું કે ઈવીએમ બાબતે કોંગ્રેસ પક્ષે ઇલેક્શન કમિશનને રજૂઆત કરી અને ઇલેક્શન કમિશને યોગ્ય પગલાં લે તેવી માંગ ઉચ્ચારી છે. मैंने कई सारे टीवी चैनल्स में और पेपर में इसके बारे में कल भी देखा है, आज भी पढ़ा है. इसके बारे में कांग्रेस पार्टी ने अपने कंसर्न्स इलेक्शन कमीशन के पास भी रखे हैं और मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन ने इन सब बातों का खुलासा करने की ज़रूरत है, इसके बारे में स्पष्टीकरण देने की ज़रूरत है. और जब चुनाव की हम बात करते हैं तो चुनाव ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ओपन होना चाहिए, खुला होना चाहिए. इस दिशा में इलेक्शन कमीशन ने ये सभी कंसर्न्स को एड्रेस करना चाहिए, ये हमारा पहले से भी कहना है. कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने भी इसके बारे में अपनी बात स्पष्ट रखी है कि हमारे जो कंसर्न्स हैं इसके इलेक्शन कमीशन ने एड्रेस करने चाहिए. आज विधानसभा कांग्रेस पक्ष की बैठक में संगठन प्रभारी सातव जी की उपस्थिति में तमाम लोगों 2019 की लोकसभा की चूंटनी जीतवा संकल्प करो ने पक्षे दरेक धारासभ्य ने पोतानी सीट सिवाय एक सीट दत्तक लेवा माटेनी जे सूचन कर्युं तुं ए अनुसंधाने सौए एक एक वधारा सीटनी जवाबदारी लीधी छे.